सभी को नमस्ते। आज आगे 3.2 का क्वेश्चन संख्या 3 का पहला क्वेश्चन, 3.2 का जो तीसरा क्वेश्चन है, निम्न बहुपदों के साथ इनके स्नेह दिए गए और इन सभी स्नेह का आपको ज्ञात करने हैं। साथ में बहुपद दिया हुआ है आपको, जैसे एफ एक्स दे रखा है, 2x+4 -3x³ -6x-2, मतलब इनके दो स्नेह का आपको दे रखे हैं। स्नेह का तात्पर्य हो गया इसमें चर राशि का मान, जैसे कि हथियार है तो दो मान दिए हुए, तो हमारे पास कितने मान और आ सकते हैं, दो मान और आ सकते हैं इसके, जितने एक्स घात होगी उतने मान आएंगे उसके, कम से अधिकतम मान इतने होंगे उसके। तो पहला कार्य क्या करेंगे, यानी स्नेह दे रखे तो मान किसका एक्स का है, एक्स बराबर रख लिया, अनुर दो रख लिया गया, एक्स माइनस अनुरे दो रख लेंगे। अब अनुर दो का जब गुणखंड बनाएंगे तो ये प्लस के साइड माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इनके बाद दोनों पदों को हम इंटू कर देंगे, एक माइनस में और एक प्लस में, 3² - 20² एक्स का स्क्वायर अंडर दो का स्क्वायर 2 हो गया। अब x² - 2 का अन्य शून्य ज्ञात करने के पूरे बहुपद के अंदर भाग दे देंगे, तो x² - 2 का 2x+4 -3x³ - 3x² + 6x - 2 में जिस प्रकार पहले क्वेश्चन में हमने भाग दिया उसी प्रकार इसमें भाग देना है कि 20 का पहला पद इनका पहला पद भाग दे दिया, x² गया, x² को इन दोनों से इंटू करके नीचे लिखेंगे। इसी प्रकार अगला पद जाएगा उसमें भाग देंगे, फिर अगला पद, इस प्रकार इसका शेषफल 0 है। अब जो आपके पास गुणखंड आ रहा है तो x² - 1 गुणखंड हो गया, 2x² - 3x+1 हो गया, तो 3 पद है इसलिए इसको विभाजन एलकोर विधि से हल करेंगे। विभाजन यानी एफ एक्स बराबर मान के x² - 2 2x² - 3x+1, ये तो आप हल किया हुआ है, ये हल करके देखना है, सूत्र है आपके पास। तो आपको करना क्या है, 2 को 1 से गुणा करने पर आपके पास 2 प्राप्त होना चाहिए, तो आप इस संख्या चाहे जोड़ने पर तो क्या होना चाहिए, 2 और 1 3 इंटू करें तो दोनों का गुण फुलाना चाहिए। जब आपके पास 2 संख्या प्राप्त होगी तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 के समूह बना लेंगे, और फिर 2 का बाहर कॉमन आ रहा है 2x, अब इसके अंदर 2x² में 2x का भाग दिया, x बचा यहाँ पर 1 बचा। इनके बाद माइनस, इस दोनों में भाग जा रहे हैं 1 x - 1, अब ये दोनों कोष्ठक वाले जो पद है वो एकदम समान आएंगे, तो x - 1 x - 1 पद ले लेंगे और 2x का और माइनस का 1 बराबर, आपको सुनिए ज्ञात करने में बराबर 0 रखेंगे, तो 2x - 1 = 0 हो जाएगा, x - 1 = 0 हो जाएगा। अब आपको पक्षांतरण करना है, 2x - 1 + x = 2 × 1 चला गया, x - 1 + 1। इसी प्रकार दिए हुए बहुपद के शून्य 2 तो आपको दे रहे थे, अनुरूढ़ दो हमने ज्ञात कर लिए, 1/2 वह 1 होंगे, इस प्रकार हमें 4 शून्य प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार इसका अगला सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन में x+4 - x³ - 26x² + 138x - 35 में आपका दो शून्य 2 ± √3, यानी एक बार प्लस में है एक बार ये आपके पास माइनस में दिया है। एक्स बराबर उसी प्रकार उसमें पक्षांतरण करना है, प्लस का 2 माइनस का, प्लस का माइनस का √3, एक्स ये प्लस का माइनस और माइनस प्लस, अब दोनों को आपस में आपको गुणा करना है। इसको गुणा कैसे करना है, देखो आपको दे रखा है, देखो x - 2 x - 2 दो बार दे रखा है, एक बार एक समय ऐसे लिख सकते हैं x - 2 का होल स्क्वायर। अब देखो माइनस प्लस माइनस √3 को √3 से करेंगे 3 आ जाएगा। अब x - 2 a - b का होल स्क्वायर लग गया, इसमें सर संख्या लगा सकते हैं a² - 2ab + b² अब a का मान हो गया x² और इसी प्रकार इसके अंदर b का मान क्या आ गया, इसके अंदर 2ab, तो 2 × x / 2 = 2×4 और आगे वाला जब गुणा करेंगे हमें तो 2 को 2 से किया 4 और माइनस से हमें दे रखा है, तो x² - 4x + 4 - 3, तो x² - 4x + 4 = 3 + 1। अब वही काम करना है कि x² - 4x इस बहुपद का गुणनखंड है, अतः एफ एक्स में बहुपद में भाग देने। अब इनके पद में पूरे में x+4 - 6x³ - 26x² + 138x - 35 में आपको भाग देना है, x² - 4x + 1 का भाग देना। भाग देंगे तो ये इसी प्रकार इसका पहला पद और इनका पहला पद, x² में x² का भाग दिया तो भाग गया x² बार, और x² बार गया तो x² को अब तीनों से गुणा करिए, x² से गुणा किया 4x² को 4x से गुणा किया 4x³ x² 1 से गया x² 2 × 2 × 3 × 3 आप चिन्ह प्रयत्न करते हैं, भाग देते हैं प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये संख्या कट गई और ये आपके पास जैसे 6 में 4 जाए, माइनस के 2 बच गए, 26 दोनों माइनस के चले 27 138x - 35 हो गए।
अब इसी प्रकार इसके अंदर हमल करेंगे कि ये आपके पास 2x क्यूब में x स्क्वायर का भाग देंगे तो माइनस के 2x बचेंगे, माइनस 2x को दोनों से गुणा कर देंगे, 2x को x स्क्वायर से किया 2x क्यूब, 2x को 4 से किया 4, 2 8x स्क्वायर, 2 को बाद में हम किया 1 से तो 2x चिन्ह परिवर्तन किया तो ये संख्या कैंसिल, 27, 35 और 138 और 140 और माइनस 35 के 35। अभी दोनों माइनस के माइनस मार्ग, अब माइनस 35 एक्स स्क्वायर में आपको भाग देना है एक्स स्क्वायर का, तो भाग गया माइनस का 35 पर। अब तीनों सिर को ऊपर के नीचे उतार दें, सब एक जैसे याद सुनने इसका से सुने याद करना है, जब जो इसको गुण कर करके भाग देंगे तो हमेशा के लिए 0 आएगा। अब जो आपके पास भाग करके जो उत्तर आएंगे उसी प्रकार विभाजन एल को रचने विधि द्वारा, तो जो पद आया था उसके बराबर 1 तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आपको दिया हुआ था, आपके उत्तर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। इनका अनुमान दे रखा है, इनको आपको हल करना है, तो एस संख्या चाहिए गुणा करने पर 35 आ जाए, जो नेगेटिव हम 2 देखे 35 किसके फड़े होते हैं, 7 के फड़े, 7 + 5 = 2 और 7 को 5 से गुणा किया तो 35। अब एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, इन दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, 7x माइनस माइनस प्लस और 5x माइनस 35, समय बनो गुणनखंड किया जा रहा है दोनों में, x x का x माइनस का 7 5 x 35 में 5 का भाग दिया 7 बार, ये दोनों संख्या समान है, एक ले लेंगे x का x प्लस का 5 बराबर दोनों 0 रखने हैं, x माइनस 7 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर भी 0, तो x बराबर 7 x बराबर माइनस के 5 अतः दिया बराबर 2 सुनने का आपको दिया होता है, 2 ने याद कर लिए 7 गए 5 से होंगे। अब इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन और भी रखे हैं, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 में एक ही शून्य दिया रखा है, क्यूब है यहाँ पर इसलिए इसके तीन शून्य ज्ञात होंगे अधिकतम, इसलिए उसका एक शून्य देखते हैं माइनस 2, उसी पर माइनस 2 पक्षांतरण किया प्लस का 2 गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, पर एक ही खाली माइनस का है तो एक्स प्लस 2 का डायरेक्ट भाग देंगे इसके अंदर, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20x प्लस 2 का भाग देंगे, भाग देने पर इसका जीरो शेष पर और भाग प्ले आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 जिस प्रकार पीछे वाले में आपने भाग दिया है। अब आप विभाजन एल को द्वारा वही कार्य करना है कि इस पद का मान क्या है, x प्लस 2 आपको दिया हुआ था, स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10, अब आप गुणा करने पर 10 आना चाहिए, जोड़ने के टाइम पर आपके पास 11 आना चाहिए, तो देखिए भी 10 किसके पड़े मारते हैं 5 के पड़े, 5 2 7 कम हो गए, इसे 10 से लेके 11x, अब 10x इंटू करेंगे 10x प्लस x जोड़ेंगे 11x और इंटू करेंगे तो 10 आ जाएंगे। अब दो दो किस्में बनाने हैं आपको, दो दो किस्में बनाया तो x का x x प्लस 10 प्लस, दोनों में कोई समान नहीं है तो इसमें कॉमन क्या निकाल लिया, एक का भागीदार दोनों में एक्स का एक्स प्लस का 10, एक्स प्लस 10 एक्स प्लस 10 दोनों में बराबर आप 0 रखोगे तो एक्स प्लस 10 बराबर 0 और एक्स प्लस 1 बराबर भी 0, एक्स प्लस प्लस का माइनस का हो गया, ये प्लस का माइनस 1 अतः दिए बद का एक मान दे रखा माइनस 2 और 2 मान आपके माइनस का 10 और माइनस का 1 प्राप्त हो गया। इस प्रकार आपका सेकेंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन सॉरी पूरा हो गया। अब आपका चौथा क्वेश्चन, किस संख्या 4 इंपॉर्टेंट है परीक्षा दशा से मोस्ट है आ भी सकते हैं, तो एफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 में जी एक्स का भाग देने पर हमें भागफल प्राप्त होता है एक्स माइनस 2 से इस पर प्राप्त होता है माइनस 2x प्लस 4। अब आपको ज्ञात क्या करना है, अभी भाग किसका दिया था, तो विभाजन जब विधि लगाते हैं तो भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेष पर, तो भाज्य भाज्य के जी एक्स गुणा भागफल क्यू एक्स प्लस शेष फल हो गया आर एक्स, तो भाज्य क्या दिया था एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 जी एक्स का जी एक्स क्यू एक्स एक्स माइनस 2 दे रखा था आर एक्स माइनस 2x प्लस 4 दे रखा। अब कोई भी अज्ञात राशि ज्ञात करते हैं तो पक्षांतरण करते हैं तो गुणा में है वो भाग में चला जाता है प्लस माइनस में प्लस माइनस में, तो पहले प्लस माइनस को भेजेंगे तो माइनस का 2x है उस साइड प्लस का हो जाएगा प्लस का 4 माइनस का 4 बराबर जी एक्स और ये गुणा में था तो ये गुणा में। अब क्यूब जैसा कोई पद नहीं है पर स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, एक्स जैसे दो पद है एक एक्स हो गया 2x 2 और 1 3x 4 में से 2 जाए माइनस के 2 एक्स माइनस, अब एक्स माइनस 2 का क्या देना है उसमें भाग देना है सिंपल भाग जिस प्रकार हम देखते हैं भाग देने जो उत्तर आएंगे वो क्या आएंगे आपके पास बराबर जी एक्स आएंगे, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बराबर आपको एक्स माइनस 2 का भाग दे दिया आपने और भाग दिया था एक्स क्यूब में एक्स का भाग दिया था एक्स स्क्वायर गया दोनों से इनटू करेंगे, इसी प्रकार 3x में 2 जाए माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में जब x का भाग दिया तो माइनस का x और माइनस एक्स को दोनों से गुणा किया तो आपके पास x में 3 में से 2 जाए x और x माइनस 2 तो x में x का भाग एक बार इस प्रकार 0 से इस पर, तो जी एक्स का जो मान है वो क्या आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस। इस प्रकार आपकी 3.2 पूरी हो गई, अगले दिन 3.3 स्टार्ट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में
एक घंटी लगी हुई है उसको भी करें, जिसमें आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे जब वीडियो नए वीडियो जारी करने पर। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।